Okay, today we are going to start next topic of this course, and the topic is interpolation. इंटरपोलेशन को अगर आसान अल्फाज में बयान करूं तो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आप किसी टाइम पे किसी चीज़ का डिस्टेंस नोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम ज़ीरो पे वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थी, टाइम 1 सेकंड पे वो किसी और डिस्टेंस पे थी, टाइम 2 सेकंड पे वो किसी और डिस्टेंस पे, और समहाउ आप ये डेटा नोट करते करते बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप डेटा नोट करना भूल गए या समहाउ मिस कर गए, कोई इंटरप्शन हो गई बीच में, और अब आप चाह रहे हैं कि आप उस टाइम स्टेप पे डेटा क्या था उसे फाइंड करना चाह रहे हैं। एक तरीका तो यह कि आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट से स्टार्ट करें और डेटा फिर से नोट करना शुरू करें और डेटा कलेक्ट कर लें, लेकिन ये हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता, और अगर पॉसिबल है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंस्टेड आप इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें और आप उस मिसिंग डेटा पॉइंट पे अपना डेटा फाइंड कर लें, उस डेटा की वैल्यू फाइंड कर लें। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, वो जो पिछले टेबल में एक्स नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई किसी प्लांट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डे वन पे कोई बंदा नोट कर रहा है, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कि उस प्लांट की हाइट 2 सेंटीमीटर थी, डे टू पे उसकी 2.5 सेंटीमीटर थी, डे थ्री पे 3.5, डे फाइव पे 5 सेंटीमीटर, वो डे फोर मिस कर गया। समा वो बीमार था या कोई भी मसला आ गया, उस दिन बारिश हो रही थी, वो बाहर नहीं जा सका, कोई भी रीज़न हो सकती है। आप डेटा डे फोर पे वो मिस कर गया डेटा नोट करना, लेकिन अब एक तरीका तो ये वो प्लांट दोबारा से उगाए, उसको चेक करे कि डे फोर पे क्या था, और दूसरा तरीका हमारे पास है जो कि हम आज से सीखने जा रहे हैं, इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट से वो डे फोर पे अपनी प्लांट की हाइट देख सकता है जो वो मिस कर चुका था। ठीक है, और ये हर केस में गैस नहीं हो सकती। आप देखें, डे वन पे 2 सेंटीमीटर है, डे टू पे 2.5। अब अगर ये एक सेम लीनियर इंक्रीज हो रहा है तो डे थ्री पे 3 होनी चाहिए थी, लेकिन ये एब्रप्ट चेंजेस हैं, तो इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम डे फोर पे फाइंड कर सकते हैं, ये हम गैस नहीं कर सकते। इंटरपोलेशन हमने जिस मेथड से करनी है और जो इस कोर्स में जो पढ़ना है वो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन कहलाती है। इंटरपोलेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं, स्टैटिस्टिक्स में मेथड्स हैं, पॉलिनोमियल के अलावा आप ट्रांजिडेंशियल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं कॉस साइन के, लेकिन हम इस कोर्स में जो इंटरपोलेशन करेंगे हम पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन करेंगे। और पॉलिनोमियल्स आप लोगों को पता है क्या है, एक्स की इंक्रीजिंग पावर्स जो होती हैं वो पॉलिनोमियल कहलाती हैं, और हम इस कोर्स में पॉलिनोमियल्स के थ्रू इंटरपोलेशन करेंगे। और पहला जो तरीका हम सीखेंगे वो पावर सीरीज इंटरपोलेशन कहलाता है, जो कि सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें फिर लैग्रांज की तरफ मूव करेंगे, न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूलाज की तरफ मूव करेंगे, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड और डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है। लेकिन इस लेक्चर में हम पहला मेथड सीखेंगे, पावर सीरीज मेथड, और उसका फिर हम कोड डिवेलप करेंगे। ओके जी, पावर सीरीज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के पूरे कॉन्सेप्ट में आपके पास हमेशा लिस्ट ऑफ एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स लाजमी होंगी। ये एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, ये एब्सिसाज कहलाएंगे, ये ऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ये एक्स की वैल्यूज एब्सिसाज कहलाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाईज की वैल्यूज ऑर्डिनेट्स कहलाएंगी। ये आपको इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट में हमेशा ज़रूरी है। इन शॉर्ट, अगर मैं कोडिंग के लिहाज से बात करूं तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमें मिलेंगे तो इसके बाद हम कोई प्रोसीजर डिवेलप करेंगे या कोई परफॉर्म कर सकेंगे, कोडिंग परफॉर्म कर सकेंगे। तो गिवन सम लिस्ट ऑफ एप्सिस आर ऑर्डिनेट फ्रॉम के वेरी सम 1 2, अब जितने आपके पास एप्सिस और ऑर्डिनेट्स होंगे एन पॉइंट्स तक जाएंगे वो 0 से लेकर। वी हैव टू फाइंड, हमें पोलिनोमियल इंटरपोलेशन में एक पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन चाहिए जो इन एब्सिसाज और ऑर्डिनेट से पॉइंट पास करेगा। याद रखिएगा, जो पोलिनोमियल फाइंड होगा
वो इन पर्टिकुलर एप्सिसाद और ऑर्डिनेट्स को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। ओके, उस पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करना है? इन केस हमारे पास सिर्फ दो डेटा पॉइंट्स हैं, एक्स नॉट वाई नॉट और एक्स वन पे वैल्यू वाई वन। हम मैक्सिमम, आप अगर सोचें कि आप ग्राफ पे दो पॉइंट्स ड्रा करें, आप मैक्सिमम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकली जो उन दोनों पॉइंट से पास करें? इट वुड बी अ लाइन, ठीक है? तो द मैक्सिमम वी कैन फाइंड इज अ लाइन। पॉइंट्स दो थे, पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री का बनेगा। फर्स्ट डिग्री मीन एक्स की मैक्सिमम डिग्री वन जाएगी, एक्स की मैक्सिमम डिग्री पावर वन होगी। तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री डेटा पॉइंट्स 1, 2, 3। उस केस में पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का बनेगा पी टू एक्स, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री उसकी टू जाएगी। और अगर फोर डेटा पॉइंट्स होंगे तो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल जनरेट होगा। इन शॉर्ट, अगर एन डेटा पॉइंट्स हैं तो पॉलिनोमियल की डिग्री एन माइनस वन होगी, पॉलिनोमियल एक कम डिग्री का बनेगा। लेकिन जितने डेटा पॉइंट्स होंगे अननोन्स हमारे उतने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल टू डेटा पॉइंट्स था तो इसमें ए नॉट और ए वन हमारा अननोन है। थ्री डेटा पॉइंट्स थे तो ए नॉट, ए वन और ए टू हमारा अननोन है। फोर डेटा पॉइंट्स थे, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री हमारा अननोन। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं जिसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका कोड डिवेलप करेंगे, जो कि कोड हमारा जनरल होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दैट पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, दीज आर द डेटा पॉइंट्स एंड हैंस मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 4। आप इसमें देखेंगे एक्स 2, 3, 5 और 7 पे कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन 4 पे मिस हो गई है वैल्यू। और वो कह रहे हैं पहले आप इसका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड करें और फिर एक्स इज इक्वल टू 4 पे उसकी वैल्यू फाइंड करें। और आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आपने एक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया इन डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके, अब वो पॉलिनोमियल जनरल है, उसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करके उसकी कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ओके, फोर डेटा पॉइंट्स हैं तो हमने अभी पीछे सीखा है कि पॉलिनोमियल एक कम डिग्री का बनेगा। फोर पॉलिनोमियल, फोर डेटा पॉइंट्स हैं सॉरी, तो पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का बनेगा और थर्ड डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल ये होता है, ठीक हो गया? नेक्स्ट स्टेप इस पावर सीरीज मेथड में ये करना है आपने, आप उन डेटा पॉइंट्स को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स टू पे वाई फाइव है, इस पी थ्री एक्स को हम वाई कंसिडर करेंगे। एक्स टू पे वाई फाइव है, ओके, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ टू पुट कर दो। टू, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, और वाई उस टाइम फाइव था। ओके, अगले में एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ थ्री पुट कर दो और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग वाई सेवन हो जाएगा। सेवन सेवन, और इस टाइम एक्स थ्री, थ्री का स्क्वायर, थ्री का क्यूब हो गया। ओके, अगले डेटा पॉइंट्स में वाई एट है जब एक्स फाइव था। ओके, इधर आ गए, एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ फाइव, फाइव का स्क्वायर, फाइव का क्यूब हो गया और उस टाइम वाई एट था। और अगली लाइन में आ गए तो लास्ट डेटा पॉइंट पुट किया नाइन था वाई, जब एक्स की वैल्यू सेवन थी और वो यहाँ पुट कर दिया। और अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है जिसमें हमारे अननोन्स कितने हैं, चार, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, और टोटल इक्वेशंस कितनी है, चार। फोर इक्वेशंस, फोर अननोन्स, इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, गॉस सीडल, इनडायरेक्ट मेथड, जी कोई मेथड, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लें। मैटलैब की बिल्ट इन कमांड यूज़ करके हम इस सिस्टम को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बस इस सिस्टम को सॉल्व करना है और आपको ए नॉट, ए वन और ए टू, ए थ्री मिल जाने हैं। वो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री आप इस जगह पे पुट करेंगे और जनाब आपका पॉलिनोमियल जनरेट हो चुका है। अब वो पॉलिनोमियल इन डेटा पॉइंट्स को तो लाजमी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इनको यूज़ करके बनाया गया है, और वो आपको किसी भी एक्स पे अब वैल्यू देगा। उस पॉलिनोमियल में आप एक्स की फोर पुट करके वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपको ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री निकालने हैं जो इस सिस्टम से निकलेंगे, इस सिस्टम को सॉल्व करके। ओके, इस सिस्टम को अगर मैं मेट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो आप नोट करेंगे वन, टू, टू
टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, मैं इनको खोल नहीं रहा, इसके पीछे कोई रीज़न है। वन कोफिशेंट वन, थ्री थ्री का स्क्वायर, थ्री का क्यूब, कोफिशेंट वन, फाइव फाइव का स्क्वायर, फाइव का क्यूब, ये देखें। अच्छा अब वन वन वन, इधर वन आ रहा है, इसका मतलब आपको पता है मैथमेटिक्स से कि किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो लेंगे, फॉर एग्जांपल टू की पावर ज़ीरो, थ्री की पावर ज़ीरो, फाइव की पावर ज़ीरो, सेवन की पावर ज़ीरो, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो लेंगे तो वो हमेशा आंसर वन देती है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा कि ये पहली लाइन के में वन लिखने के बजाय मैंने लिख दिया टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर वन, टू की स्क्वायर, टू का क्यूब, टू की पावर वन, सॉरी टू की पावर ज़ीरो से वन आ गया, टू की पावर वन, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब। नेक्स्ट लाइन में आपका थ्री की पावर ज़ीरो आ गया, थ्री की पावर वन, थ्री का स्क्वायर, थ्री का क्यूब। नेक्स्ट लाइन में फाइव की पावर ज़ीरो, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू, फाइव का क्यूब। और उससे नेक्स्ट लाइन में सेवन की पावर ज़ीरो, सेवन की पावर वन, सेवन का स्क्वायर, सेवन का क्यूब। ये आपके कोफिशेंट मैट्रिक्स बन गया ए, और राइट साइड पे आपका ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब इधर नोट कीजिएगा, बी मैट्रिक्स आपका पूरा का पूरा वाई मैट्रिक्स है, फाइव सेवन एट नाइन, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, वेक्टर फाइव सेवन एट नाइन, आपका पूरा का पूरा तरतीब से जो वाई वेक्टर होगा वो बेसिकली आपका इधर एज इट इज आ जाएगा, फाइव सेवन एट नाइन, फाइव सेवन एट नाइन, और ये जनाब आपके अननोन्स आ गए। तो हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ये जनाब मैट्रिक्स फॉर्म आ गई इस सिस्टम की। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना संभव, हम मैंने भी बात की, हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, मैटलैब की बिल्ट इन कमांड यूज़ करेंगे और इस सिस्टम को सॉल्व करके हमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये आप कहीं पे भी लगा के चेक कर सकते हैं कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री ये आएंगे इस केस में। मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि आप लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करना सीख चुके हैं। ओके अब बारी है जी इस ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री को वहाँ पुट करने की, कहाँ, यहाँ, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, और आपका पॉलीनोमियल जनरेट हो गया है, पी थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा ये पॉलिनोमियल इन असेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल है, एक्स है, एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर वन, टू, थ्री, असेंडिंग पावर्स में। अच्छा डिसेंडिंग में लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा, 0.1 x³ पहले लिख दिया, -1.5 x² 7.6 x -5, ये लिखने की भी रीज़न है कोई, ये भी रीज़न मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा अभी जब कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। ओके ये पॉलिनोमियल मिल गया, और जिस पॉइंट पे आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है वो डेटा पॉइंट तक पुट करें और ये आपको वैल्यू दे देगा। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, पहली चीज़ ये कि आपने चेक करना है ये पॉलिनोमियल ठीक है, तो आप वो गिवन डेटा पॉइंट्स यहाँ पे पुट करें, फॉर एग्जांपल एक्स को यहाँ पे 2 2 2 पुट करें तो आपका आंसर 5 आना चाहिए, एक्स को 3 पुट करें आपका आंसर, एक्स को इधर 3 पुट कर दें तो आपका आंसर 7 आना चाहिए, एक्स को 5 पुट कर दें आपका आंसर 8 आना चाहिए, एक्स को 7 पुट कर दें आपका आंसर 9 आना चाहिए। पहली चीज़ तो आंसर चेक करने की ये है। दूसरी चीज़, जिस पॉइंट पे आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 4 पे इसको अप्रॉक्सीमेट किया, तो आप अगर नोट करें 3 पे वैल्यू 7 थी और 5 पे वैल्यू 8 थी, तो इंट्यूशन ये कहती है कि अगर 3 और 5 के बीच का पॉइंट 4 मिसिंग है तो 4 पे वैल्यू भी इनके बीच ही आनी चाहिए 7 और 8 के, और 7.8 उसके बीच ही है 7 और 8 के। ठीक हो गया, लेट्स मूव टूवर्ड कोडिंग, और हम अब ये पॉलिनोमियल कोडिंग से फाइंड करेंगे, और ये जो कोड हम बनाएंगे वो जनरल कोड होगा, यूज़र हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ एब्सिसात और ऑर्डिनेट्स देगा क्योंकि ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम उसे उसका पॉलिनोमियल जनरेट करके उस पॉलिनोमियल को प्लॉट करके भी दिखा देंगे, और मिसिंग डेटा पॉइंट जो वो डालेगा हम उसको उस पर उसकी वैल्यू भी निकाल के दिखा देंगे। ठीक है लेट्स ओपन दी ऑक्टेव।
ऑक्टेव ओपन हो जाता है, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो लिस्ट ऑफ एब्सिसाज एंड ऑर्डिनेट्स हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और एक डेटा पॉइंट उससे मांग लेंगे जिस पे वो मैनिपुलेट करना चाह रहा है अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू। हमने सिर्फ उससे एब्सिसाज ऑर्डिनेट्स और वो पॉइंट लेना है जिस पे वो वैल्यू मैनिपुलेट करना चाह रहा है, और हमने इन रिटर्न उसे पॉलिनोमियल जनरेट करके देना है, और उस मिसिंग डेटा पॉइंट पर उसको वैल्यू भी फाइंड करके देनी है, और मेथड हमने पावर सीरीज मेथड लगाना है क्योंकि हम इसका कोड बनाने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडिटर विंडो में चले गए। ओके, फर्स्ट लाइन मेरी क्या होगी, हमें यूज़र से अब इनपुट चाहिए। मैं एक्स वेक्टर में स्टोर करवा रहा हूँ इनपुट, एंटर लिस्ट ऑफ एब्सिसाज स्पेलिंग गलत लिख दूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, और इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स से आ गया, और एक मैं पी नॉट के नाम से इनपुट ले लेता हूँ जिसमें मैं क्या मांगूंगा जी, बता चुका हूँ ये मैं, एंटर द वैल्यू एट विच, एंटर द मिसिंग वैल्यू लिख देते हैं, मिसिंग डेटा पॉइंट कह देते हैं। ये तीन चीज़ें इनपुट होंगी, और इसके बाद हमने सिर्फ काम करना है पावर सीरीज मेथड पे, और रिटर्न करना है उसको पॉलिनोमियल, और प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं, और मिसिंग डेटा पॉइंट की वैल्यू भी उसे रिटर्न करनी है, और वो तभी हो सकती है जब पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। पहला स्टेप मेरा ये होगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि उसने जो एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है उतनी उनकी, ठीक है। तो मैं एक लेंथ की कमांड यूज़ करूँगा, लेंथ ऑफ एक्स मुझे बता देगी कि उसमें कितने टोटल डेटा पॉइंट्स कितने वो दे रहे हैं, ठीक है। मैं आगे परसेंटेज करके भी लिख देता हूँ, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ओके, एन में मेरे पास आ जाएगी जी उस एक्स की लेंथ, अगर उसने चार डेटा पॉइंट्स दिए हैं तो मेरे पास एन में फोर आ जाएगा, उसने पांच डेटा पॉइंट्स दिए हैं तो मेरे पास एन में फाइव आ जाएगा, और पॉलिनोमियल मैं उससे एक कम डिग्री का बनाऊंगा, जिस तरह से मैंने पॉलिनोमियल्स में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि पॉलिनोमियल हमेशा एक कम डिग्री का बनेगा जितने डेटा पॉइंट्स होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास डेटा पॉइंट्स आएंगे, मैंने उन डेटा पॉइंट्स को समहाउ पुट करके एक मैट्रिक्स जनरेट करना है, और वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की फॉर्म का आएगा। आप नोट कर रहे होंगे, मैं बता भी चुका हूँ कि जो बी ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम को, अब इसको मैंने सॉल्व करने में यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक हो क्या। मैं आप लोगों की आसानी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये जो ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम बना रहा हूँ इसमें ये जो बी मैट्रिक्स है ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा वाई मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं सिर्फ इधर आसानी के लिए आपके लिख रहा हूँ कि जो बी है उसमें पूरा का पूरा मैंने वाई डाल दिया, ठीक हो गया जी। जो बी था पूरा का पूरा वाई, जो ऑर्डिनेट का मैट्रिक्स था वो मैंने बी में डाल दिया। अब मुझे सिर्फ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है वो किस तरह का है, और मैं फिर उस इन दोनों को सॉल्व करके इस ए को उधर ले जाके इनवर्स ऑफ ए लेके मल्टीप्लाई करवा के अननोन्स निकाल सकता हूँ, बट अननोन्स में समों किसी तरह भी निकाल सकता हूँ, बस मुझे ए मैट्रिक्स चाहिए पहले, ए मैट्रिक्स कैसा होगा। और कोडिंग में हम हमेशा देखते हैं
के वो कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन आ रही हैं, और मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि इसकी नौइयत कैसी है। ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये जनरल बात होगी। ए मैट्रिक्स की जो पहली रो है, ए मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो हमेशा एक्स की पहली एंट्री होगी। सी, टू 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 टू, उसकी पावर्स पे हम अभी फोकस नहीं करते। ए मैट्रिक्स की दूसरी रो जो है वो जो गिवन एब्सिस है उसकी दूसरी वैल्यू है, पॉइंट है, और थर्ड रो तीसरा पॉइंट है, फोर्थ रो चौथा पॉइंट है, इसी तरह अगर पांच पॉइंट है तो फिफ्थ रो पांचवा पॉइंट होगा। सो ए मैट्रिक्स में एक जनरल बात ये है कि वो उसकी जो रोज़ हैं उनमें एक्स के डेटा पॉइंट्स चल रहे हैं। पहली रो में पहला, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा, चौथी में चौथा डेटा पॉइंट जा रहा है। अब एक और इनमें इंटरेस्टिंग और कॉमन बात ये है कि उनकी पावर्स इंक्रीज हो रही हैं इन कॉलम्स फ्रॉम 0 to 3। पहली रो पहले कॉलम में 2 की पावर 0 है, पहली रो दूसरे कॉलम में 1 है, दूसरी रो सॉरी पहली रो दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में 2 की पावर 2 है, और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में 2 की पावर 3 है। तो कॉलम्स में पावर्स इंक्रीज हो रही हैं और रोज़ में वो नंबर्स पड़े हैं एग्जैक्टली जो एक्स गिवन एक्स एप्सिसा लिस्ट ऑफ एप्सिसाज थी वो रोज़ में एग्जैक्टली वो नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने रो और कॉलम दोनों में मूव करना हो तो मैं नेस्टेड लूप यूज़ करता हूँ हमेशा, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 2। ओके, कितनी रोज़ होंगी हमारी टोटल ये मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ। जितनी एक्स की लेंथ होगी वो जो एन में स्टोर करवाई है, ऑब्वियसली मेरी नंबर ऑफ रोज उतनी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स में 4 एंट्रीज दी तो इधर मेरा ए 4x4 का बन रहा है, तो रोज़ कितनी है, 4 है, और कॉलम्स भी 4 है। ठीक है, तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, फॉर जे इज इक्वल टू 1 to n एंड एंड। ओके, ये तो मैंने नेस्टेड लूप बना लिया। बाहर वाला लूप मेरा फॉर रोज चल रहा है, अंदर वाला लूप मेरा फॉर कॉलम्स चल रहा है। और इसमें मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, ए मैट्रिक्स की हर एंट्री बताना चाह रहा हूँ कैसी होगी, ए की आईएथ रो जेथ कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लूप i1 के लिए चल रहा है तो वो सिर्फ फर्स्ट रो के लिए चल रहा है और सारे कॉलम में घूमेगा वो। i1 के लिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इन शॉर्ट इस जगह पे मूव करेगा, पहली पूरी रो को टारगेट करेगा। अच्छा, पहली रो पहले कॉलम में कैसी एंट्री है, पहली पूरी रो में एक बात तो कंफर्म है कि एक्स की आईथ एंट्री है। अगर i1 है तो एक्स की पहली एंट्री चल रही है, रो 2 है तो एक्स की दूसरी एंट्री चलेगी, रो 3 है तो एक्स की तीसरी एंट्री चलेगी, रो 4 है तो एक्स की चौथी एंट्री चलेगी। सी, ये रो 1 में वो एक्स एब्सिसाज की पहली एंट्री 2 है, दूसरी एंट्री 3 है, तीसरी एंट्री 5 है और चौथी एंट्री 7 है। तो जो रो चल रही होगी एक्स की वही एंट्री चल रही होगी। अच्छा, अब कॉलम्स पे आ रहे हैं तो उसकी पावर कैसी होगी, पहली रो पहले कॉलम में उसकी पावर j-1 होगी, इसको नोट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हूँ, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a115 करो, एक्स की फर्स्ट एंट्री जो कि इस क्वेश्चन में देखें तो वो 2 है और उसकी पावर क्या हो जाएगी, j-1, j जो चल रहा है 1, j 1 के लिए 1-1 पावर 0 हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में j 2 हो जाएगा और यहाँ पावर 1 हो जाएगी, j 3 हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी, j 4 होगा पावर 3 हो जाएगी। यही देख रहे हैं ना आप, पावर 0, 1, 2, 3, 4 तक नहीं जा रही, एक कम पावर है, जो कॉलम नंबर चल रहा है उससे पावर एक कम चल रही है। कॉलम 1 है 0, कॉलम 2 है 1, कॉलम 3 है 2, कॉलम 4 है 3, एक पावर कम चल रही है। तो जनाब यहाँ से मैंने अपना ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, ये मैं अब आप लोगों को बाहर एक आपके लिए दिखाता हूँ कि क्या हमने यहाँ तक अभी तक कोड सही किया। ओके, लेट्स रन इट और सेव कर लेते हैं इसको।
पावर सीरीज इंटरपोलेशन के लिए इंटर यूज़ कर देता हूँ और फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ओके, चेंज डायरेक्टरी किया, मैं सिर्फ वही वाले ऐप से साथ ऑर्डिनेट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं उस क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। 2, 3, 5, 7 था आई गेस, एंड नेक्स्ट इज 5, 7, 8, 9, ये ऑर्डिनेट्स है 5, 7, 8, 9, और मिसिंग डेटा पॉइंट अभी देने की ज़रूरत नहीं है वैसे क्योंकि अभी तक हमने उस पर कोई काम नहीं किया। तो जनाब देखें, 1, 2, 4, 8, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 की पावर 0, 1, 2, 3, 5 की पावर 7 की पावर। सो यहाँ तक मेरे ख्याल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम ए मैट्रिक्स अपना बना चुके हैं। अब हमने सिर्फ इस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना है और हमने अननोन्स निकाल लेने हैं। ए अननोन्स कौन से होंगे इस सिस्टम में, ये ए नॉट ए वन है। अब ये सिस्टम हमें मिल चुका है उस एब्सिसॉस को यूज़ करके और ऑर्डिनेट्स को यूज़ करके। अब सिर्फ इसको उधर ले जाकर इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देना है और ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री मिल जाएंगे हमें। ओके लेट्स डू इट। ए भी मिल गया है, बी भी मिल गया है। ओके यहाँ मैं इसको जी सिस्टम ए एक्स नहीं कहता, ए यू इज इक्वल टू पी बी कह देता हूँ क्योंकि एक्स में ऑलरेडी इस कोड में यूज कर चुका हूँ फॉर एब्सिसॉस। मैटलैब की एक बिल्ट इन कमांड है, अगर आपने जो अननोन फाइंड करना उसको इधर रखेंगे और इस कमांड का इन शॉर्ट मतलब ये है U इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A स्टैरिक B। आप A के इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अननोन फाइंड करें, इस कमांड का सिर्फ ये मतलब है। अच्छा ये कमांड मैंने क्यों यूज़ किया, ये मैटलैब की बिल्ट इन कमांड है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए और मैटलैब हमेशा इस कमांड को प्रेफर करता है। अगर आप इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखेंगे तो वो उसके नीचे आपको एक ऑरेंज लाइन शो करके ये वाली कमांड के बारे में बताएगा, कहेगा कि ये कमांड ज़्यादा बेटर है और ये ज़्यादा जल्दी रिजल्ट निकाल रही है। इसके बैकग्राउंड पे क्या प्रोसीजर चल रहा है हमें नहीं पता, क्या पता वो कोई बेटर प्रोसीजर या एल यू डी कम्पोजिशन यूज़ कर रहा है जो फास्ट प्रोसीजर है जिनकी सी पी यू कॉस्ट कम है। तो जनाब ये जो मैंने इतनी सी लाइन लिखी है ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके ये यू में अननोन्स को निकाल रहा है। अच्छा आपको दिखा भी देते हैं अननोन्स निकले हैं कि नहीं, हम मैं इसको फिलहाल सेमी कॉलन नहीं करता, कोड को दोबारा रन करता हूँ। ओके एक्स में पूरे वो ही पड़े हुए, वाई में वो पड़े हुए। सी यू इज इक्वल टू -5, 7.6, -1.5, 0.1, -5, 7.6, -1.5, 0.1। तो सम हो हमारे अननोन्स निकल आए हैं ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री। अब बिग क्वेश्चन इज आपने मैट लैब में पॉलिनोमियल कैसे लिखना है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैट लैब में ऑलरेडी पॉलिनोमियल लिखे जा रहे हैं। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैट लैब में कोई भी मैट्रिक्स लिखता हूँ 3, 2, 1, मेरे लिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर है, लेकिन मैट लैब ये कह रहा है ये सिर्फ एक कॉलम वेक्टर नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल भी है जो कि 3x² प्लस 2x + 1 है। आपने सिर्फ ये करना है पॉलीवेल की कमांड यूज़ करें, मैंने इसको आंस में ये स्टोर हुआ हुआ इसलिए तो मैं आंस ही यूज़ करूँगा, आंस में पॉलिनोमियल स्टोर हुआ है। आप पॉलीवेल आंस करें किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल 1 पे, ये आपको 6 दे रहा है। ओके देखते हैं कि 3x² प्लस 2x + 1 के अंदर अगर 1 डालें तो क्या आता है, 3 × 1² 3 प्लस 2 × 1 2 + 1, 3 + 2 + 1 5। तो ये मैटलैब कह रहा है कि आपके पास कोई भी अगर कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, ये रोज के लिए भी सेम चलता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 1 लिखा हो तो आप करें पॉली वेल ऑफ दिस आंस एट
वन, तो वो उसको भी वैल्यू। तो मैटलैब के बैकग्राउंड पे ये एक पॉलिनोमियल भी कंसीडर हो रहा होता है। तो अब आप देखें, लेकिन इधर ये है कि ये पॉलिनोमियल की डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल मैं ए इज़ इक्वल टू 3, 2, 1 ले रहा हूँ, तो ये स्टार्ट में मैक्सिमम पावर लेता है, 3x² + 2x + 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। लेकिन हमारा जो कोड है उसमें अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल जो हमारा बन रहा है अब ये -5 जो मेरा ओरिजिनल में है वो लास्ट वाला डिजिट है विदाउट एनी पावर ऑफ एक्स। आप लोग होप्सो समझ रहे होंगे। और जो 0.1 है वो मैक्सिमम पावर वाला कोफिशेंट है, लेकिन यहाँ पे 0.1 एंड पे आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ सिंपल सा है। आप ये करेंगे कि यहाँ पे p इज़ इक्वल टू u को फ्लिप कर लेंगे। ये फ्लिप की बिल्ट इन कमांड है मैटलैब में जो उस मैट्रिक्स को बिल्कुल उसका ऑर्डर रिवर्स कर देती है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉलीनोमियल अब आ गया, 0.1x³ - 1.5x² + 7.6x - 5, ये पॉलीनोमियल बन चुका है। ठीक हो गया जी। और अब अगर आपने इस पॉलीनोमियल को किसी पॉइंट पे एवेलुएट कराना है तो सिंपली आपने पॉलीवेल की कमांड यूज़ करनी है, क्योंकि मैटलैब को पता है कि ये मैट्रिक्स सिर्फ एक मैट्रिक्स नहीं है, ऊपर ये एक पॉलीनोमियल है। और क्योंकि वो पी में स्टोर है और उसको आप एवेलुएट करा देंगे जो उसने डेटा पॉइंट पे यूज़र ने मांगा है, उसने पी नॉट पे मांगा था। और ये हो गया। ओके, अब रन करके आंसर्स मैच करते हैं। बाय 4 सी, आपके पास ये पॉलिनोमियल है जनाब और ये उसका आंसर है 7.8। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो P3 @4 7.8 था। ओके, अब हम प्लॉट करके चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल की ग्राफिकली नेचर कैसी है, और फिर उसी सेम प्लॉट के ऊपर हम अपने गिवन डेटा पॉइंट्स को भी प्लॉट करके चेक करते हैं कि क्या वो उस पॉलिनोमियल की कर्व के ऊपर ही लाए करते हैं। तो उससे हमारी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी कि हमारे गिवन डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके जो पॉलिनोमियल बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं प्लॉटिंग के लिए एक लिन स्पेस की कमांड यूज़ करूँगा, ये पहले आप लोगों को बताई है लिन स्पेस। अच्छा, प्लॉटिंग मैंने करनी कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? ऑन एक्स एक्सिस मुझे एक्स की पहली वैल्यू से लेके एक्स की आखिरी वैल्यू तक प्लॉट चाहिए। एक्स की फर्स्ट वैल्यू कैपिटल एक्स की बात करूँ, इसमें एब्सिस आज बढ़े, और स्मॉल एक्स में ये स्टोर करवा रहा हूँ लिन स्पेस। और लास्ट वैल्यू उसकी कहाँ से पता लगेगी? इस एन की लेंथ से, क्योंकि एन उसकी लास्ट वैल्यू है। अच्छा, और इसके अंदर मैं 100 डेटा पॉइंट्स की, जितने इन डेटा पॉइंट्स को आप इंक्रीज़ करेंगे 100 करेंगे, और जितने इंक्रीज़ करेंगे ग्राफ उतना रिफाइन होता रहेगा, जितने कम करेंगे ग्राफ की कर्व उतनी स्मूथ नहीं आएगी। तो 100, आई थिंक 100 इज़ इनफ। और वाई में मैं स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स के वर्सेस एक वाई प्लॉट करना, उसमें मैं पॉलिनोमियल को एवेलुएट कर लेता हूँ, उस पी पॉलिनोमियल को। इस पी पॉलिनोमियल को मैं पॉली वैल एवेलुएट कर लेता हूँ। किसके ऊपर एवेलुएट करूँगा? अब इन सारे एक्स के ऊपर एवेलुएट करूँगा जो स्मॉल एक्स में स्टोर है। इस स्मॉल एक्स में 100 पॉइंट्स स्टोर हुए होंगे जिनके ऊपर वाई को उस पॉलिनोमियल को वैल्यूएट करके उसके कोरस्पॉन्डिंग वाइज मिल जाएंगे मुझे। और इस चीज़ को जनाब मैं प्लॉट कर दूंगा एक्स वर्सेस वाई, और मैं इसको रेड लाइन पे देखना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। एब्सिस आज में ऑलरेडी एक्स पड़ा है, वाई पड़ा हुआ है 4। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ये उसकी नेचर है पॉलिनोमियल की। और ये कहाँ से कहाँ तक चला? क्योंकि 2 पहला डेटा पॉइंट था और 7 लास्ट डेटा पॉइंट था, तो ये 2 से 7 तक
के इंटरवल में प्लॉट हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे एक लिमिट लगा दी थी। अच्छा, इसी के ऊपर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने उन डेटा पॉइंट्स को भी प्लॉट करके देखूँ। तो मैं होल्ड ऑन कर देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, प्लॉट वही वाला रहेगा और उसी के ऊपर मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो अब आपको पता है कैपिटल एक्स में सारे एब्सिस आर पड़े और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स कैपिटल वाई में पड़े, और इसको मैं एक ओ लिख दूंगा, तो यहाँ पे एक स्टेरिक साइन सा बन जाएगा ग्राफ में, और देखते हैं अब क्या होता है। एक्स आ गया, वाई आ गया, फोर आ गया। तो देखें जनाब, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है रेड लाइन, और ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो गिवन डेटा पॉइंट्स, और ये एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो पॉलिनोमियल फाइंड किया है वो इन डेटा पॉइंट्स को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करके ही बना है। 2 पे वैल्यू 5, 3 पे वैल्यू 7, 5 पे वैल्यू 8 और 6 पे वैल्यू 9 हो गई। तो ये हमारा पावर सीरीज इंटरपोलेशन का कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लैग्रांज पॉलिनोमियल के कोड की तरफ और उस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।